Welcome to Virtual Learning Networks. This is session number 2, practical session of page makeup. Today we will cover the following topics. These are introduction, how to create a new document and different windows in page makeup. This is our work area of Adobe PageMaker. यहाँ पे हम जितना भी अपना काम है PageMaker का वो करते हैं। जो हमारा सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारे मेन्यूज। यहाँ पे जो हमारे मेन्यूज हैं, जैसा कि पहले सेशन में बताया है प्रैक्टिकल के, ये हमारे शॉर्टकट कीज हैं या फिर शॉर्टकट बटन्स हैं जो हमें वर्क को फास्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारा टूल बॉक्स, ये हमारे पैलेट्स और ये हमारा कंट्रोल बॉक्स। फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पास में एक शॉर्टकट की है जिसको मैंने अभी प्रेस किया। यह हमारी न्यू फाइल के लिए है। यह हमारा डॉक्यूमेंट सेटअप है कि हमारा जो पेज है वो किस तरीके से व्यू होना चाहिए, पेज का साइज क्या होना चाहिए, उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, उसके ओरिएंटेशन मींस वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होना चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए, मींस वो डबल साइडेड होना चाहिए या फेस पेजिंग होना चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस कितने होने चाहिए हमारे उसमें, मींस अगर हम इसे दो कर देते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो दो आएंगे, मार्जिन से इंसर्ट करने की इनसाइड से कितनी इंचेस की होनी चाहिए, आउटसाइड से कितनी इंचेस की, टॉप से और बॉटम से। हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारा एक स्टोरी बोर्ड या पेस्ट बोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे ये जो पेज है वो दिया हुआ है। दिस इज आवर वर्क एरिया। ये जो बीच में दिया गया है ये हमारा पेज है और जो बाकी है वो हमारा पेस्ट बोर्ड है। और हम सबसे पहले जानते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन में जो हुआ था कि इंट्रोडक्शन में ये हमारे टूल बॉक्स हैं जो कि बहुत सारे टूल्स कंटेन करता है, जैसे कि ये एक पॉइंटर टूल है, ये टेक्स्ट टूल, क्रॉप टूल, रोटेट टूल, लाइन टूल, कॉन्स्ट्रेंट लाइन टूल जो हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स करने में हेल्प करता है, हमारा रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्टिकल टूल, पॉलीगन टूल, हैंड टूल, जूम टूल और ये जो हमारे तीन हैं ये हमारे हमारे फ्रेम टूल्स हैं, मींस अगर हमें कोई भी प्लेस होल्डर टूल्स हैं, अगर हमें इनमें कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो ये इसके लिए, या फिर टेक्स्ट होल्ड करना है तो ये इसके लिए यूज़ होते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे पैलेट से। ये जो बॉक्स हमें दिया हुआ है, ये जो हमारे पास में डायलॉग बॉक्स है, ये हमारे पैलेट्स होते हैं। डिफरेंट तरीके के पैलेट्स होते हैं, कलर पैलेट, स्टाइल पैलेट और बाकी जो पैलेट्स हैं हम उन्हें विंडो मेन्यू में से ले सकते हैं, जैसे कि हमारे शो कलर पैलेट, हाइट स्टाइल, शो लेयर पैलेट, ये हमारा लेयर पैलेट है, एंड मास्टर पेज पैलेट और बहुत सारे तरीके के पैलेट्स होते हैं। प्लगइन पैलेट्स जैसे कि हमारे डेटा मर्ज पैलेट हो गया, शो लाइब्रेरी स्क्रिप्ट एंड एसेट्रा, देयर आर मैनी पैलेट्स इन दिस, टेम्पलेट पैलेट, पिक्चर पैलेट, स्क्रिप्ट पैलेट, अगर हम इनको शो करेंगे तो ये शो हो जाएंगे। ये हमारा एक स्क्रिप्ट पैलेट आ गया, यहाँ पे हमारा डेटा मर्ज पैलेट आ गया, एसेट्रा एसेट्रा। अगर हमें इनको हाइड करना है तो हमें शिफ्ट प्लस टैब दबाना पड़ेगा जिससे हमारे टूल बॉक्स को छोड़ के बाकी सारे जो पैलेट्स हैं वो गायब हो जाएंगे। दोबारा से अगर हम शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ये वापस आ जाएंगे। अगर हमें इन्हें बंद करना है तो सिंपल तरीका इनका ये है कि हमारे पास में ये जो क्रॉस बटन है इसको क्लिक कर दें, या फिर विंडो में जाके दोबारा से हमारा प्लगइन, अगर हमारा डेटा मर्ज पैलेट है तो उसे सिंपली हमें हाइड कर देना है, तो इससे हमारे जो प्लगइन्स हैं वो और जो ये जो हमारे पैलेट्स हैं वो गायब हो जाएंगे। ये जो हमारे दो कलर्स और स्टाइल पैलेट्स हैं इनको हमने एक ही पैलेट में ग्रुप कर रखा है, इनको हम अनग्रुप भी कर सकते हैं बाय सिंपली ड्रैगिंग इट आउटसाइड। इससे क्या होगा, जो हमारा कलर पैलेट है वो सिंपली हम उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द टैब। अगर हमें इनको ग्रुप करना है तो दोबारा से इनको उठा के हमें सिंपल इसमें प्लेस कर देना पड़ेगा। ये हमारा एक जो है ये ग्रुप बन गया। दिस इज सिमिलर लाइक अगर हमें लेयर को भी इसमें ही इंसर्ट करना है तो इसको रख देंगे, यहाँ पे हमारा लेयर हो जाएगा और मास्टर प्लेस। तो ये हमारी जो है ये ग्रुपिंग हो गई सिंपल। अगर हमें कलर पैलेट एक्सेस करना है तो सिर्फ उसको टैप करना पड़ेगा।
टू रिसाइज, अगर हमें अपने पैलेट को रिसाइज करना है तो हमारे पास में ये जो लोअर राइट कॉर्नर में जो पेज दिया हुआ है, जो आइकन दिया हुआ है, इसको क्लिक करके सिर्फ हमें ड्रैग और ड्रॉप करना है, ड्रैग करना है, जिससे कि हमारी जो विंडो का साइज है वो रिसाइज हो जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा वो देता है। अगर हमें कोई भी नया कलर चाहिए अपने, उसके लिए सिंपल हम इसे क्लिक करेंगे, स्पॉट करेंगे। अगर हमें RGB मॉडल के लिए चाहिए या CMY के लिए चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा। सियान का हमें यहाँ पे परसेंटेज देना है, नया कलर अगर हमें बनाना है, जैसे कि अगर हमें इसे 56 नंबर दे दें, यहाँ पे 678, यहाँ पे हमारा 36, और यहाँ पे हमारा ब्लू का पोर्शन 12 रहेगा, तो हमारे जो कलर बनेगा वो बनेगा ये। इसको हम कोई नया नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम रख दिया हमने डार्क पर्पल। तो ये हमारा नया कलर ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम चूज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करने के लिए। जैसे अभी मैंने एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, इसको एक रेक्टेंगल बनाया, तो उसमें विद इन डार्क कलर पर डार्क पर्पल कलर फिल होगा। अगर हमें इसका ऑप्शन चेंज करना है, फिल का जो वो चेंज करना है, तो हमें सिर्फ इसको, इस जो ऑप्शन है इसको चूज करना है और कलर चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। नाउ हमारा जो स्टाइल पैलेट है, स्टाइल पैलेट हमारा सिंपली जो हमारा टेक्स्ट का एरिया है वो चेंज करने में, टेक्स्ट का साइज या फिर उसका लेआउट चेंज करने में हेल्प करेगा। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। दिस इज आर जूम टूल कंट्रोल। जो हमारा जूम टूल है बाय डिफॉल्ट जूम इन करता है, मींस अगर हमें किसी एरिया को जूम करवाना है तो सिंपली हमें ड्रैग और ड्रॉप या फिर क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमें जूम आउट करवाना है तो हमें कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा और क्लिक करना है हमें, ताकि जो हमारा एरिया है वो जूम आउट हो जाए। तो अगर हमें जूम करना है तो सिंपली वी हैव टू ड्रैग और स्पेस द एरिया यहाँ पे। नाउ द स्टाइल पैलेट का जो काम है हमारा, वो हमारा टेक्स्ट को चेंज करना है। अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे इस टेक्स्ट को, तो हम इसकी वो चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लाइक हेडिंग, हेडलाइंस वगैरह वगैरह। कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। नाउ अगर हम इसे बॉडी टेक्स्ट रखेंगे तो जो टेक्स्ट है वो बॉडी के, जो हमें बॉडी में चाहिए वैसा रहेगा। कैप्शनिंग के लिए चाहिए तो इट विल बी इटैलिक। हैंगिंग इंडेंट, तो हमारा ये इंडेंट हो जाएगा। हेडलाइन के लिए चाहिए तो सिंपल, जैसे हेडलाइन बड़ी बड़ी होती हैं तो उसके हिसाब से ये हेडलाइन का साइज ले लेगा। सब हेडिंग के लिए वो साइज हेडिंग लाइन से कम होगा, और उसकी जो सब हेडिंग है उसका साइज उससे सब हेडिंग वन से छोटा होगा। ये हमारा स्टाइल पैलेट है। इसमें नए स्टाइल्स को हम ऐड कर सकते हैं, न्यू स्टाइल, डिलीट सब हेडिंग, डुप्लीकेट कर सकते हैं, स्टाइल ऑप्शंस में जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। नाउ जो हमारी ग्रुपिंग है पैलेट्स की वो बता दी हमने। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें एक न्यू विंडो पे जाएंगे जहाँ पे हमारे टेक्स्ट है, अगर उसको यूज़ करना है या फिर इंपोर्ट करवाना है तो हम इंपोर्ट करवाएंगे बाय फाइल प्लेस, जहाँ पे हमारा जो प्लेस है उस पे ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी जो हमारी वैल्यू है उसको अगर हमें ओपन करवाना है तो सिंपली ओपन लिख देंगे। और ये जो हमारा ये एरर दे रहा है क्योंकि ये एक डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी की ऑप्शन थी, इसलिए हम इसको वो नहीं कर पा सकते। तो हमारी जो सिंपल फाइल टाइप्स है जिनको हम इस पेज में डाल सकते हैं, वो है एक अडोब इलस्ट्रेटर की फाइल, ऑटो कैड की फाइल, कंप्यूटर सर्वर जिफ की फाइल, कंप्यूटर ग्राफिक मेटा फाइल, कोरल ड्रॉ की फाइल होगी। ऐसी फाइल्स को हम इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। लाइक मैं एक फाइल बनाता हूँ, हमारा एक डॉक्यूमेंट, लाइक अगर हम, हमें जैसे खुजराव की ये फाइल इंसर्ट करवानी है, तो हमें सिंपली अपने अडोब अडोब पे जाना है। देर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम।
सिंपल हम कंटिन्यू करते हैं, फाइल पे जाएंगे, प्लेस पे जाएंगे, कोई भी हमें यहाँ पे जो वैल्यू सर्च करनी है उस पे जाएंगे। जैसे कि अभी हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, ब्राउज करना है हमें, जहाँ जौन सी फाइल पे हमें जाना है, हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है सी इंटेल, कहीं पे हमारा थ्रू दिस, ये जो हमारा प्लेस का ऑप्शन है, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इस पे आ जाएगा। डिफरेंट विंडोज जो हमारी पेज मेकर में होती हैं, वो होती है सबसे पहला तो हमारा टाइटल पेज, ये हमारा जो टाइटल पेज है पूरा, ये हमारी विंडो है एक। हमारी जो दूसरी विंडोज होती हैं वो होती हैं पैलेट विंडोज की, यहाँ पे जो पैलेट विंडोज हैं ये हमारी प्रेफरेंसेस विंडोज कि ये जो हमारी प्रेफरेंसेस विंडोज़ है, जो हमें प्रेफर करने के लिए अगर कोई हमें सेटिंग में चेंज करना है उसके लिए यूज़ करी जाती हैं ये प्रेफरेंसेस विंडोज़। डायलॉग विंडोज़ अगर कोई एरर आता है या जनरेट होता है तो उसके लिए एरर विंडोज़ होती हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट तरह की न्यू फाइल के लिए एक अलग विंडो खुलेगी, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो है, इसके लिए अलग, हर हर उसके लिए हमारे पास में डिफरेंट विंडो है। जैसे कि ये हमारे टैब, ये हमारी टाइल या कैस्केड हो सकती है, ये हमारी टाइलिंग और कैस्केडिंग विंडोज़, हमने कैस्केड कर दिया, इसको छोटा कर दिया, ये हमारी ये एक कैस्केडिंग विंडो हो गई। हम एक और न्यू ऑप्शन कर सकते हैं, ओके किया, इसको हमने ये किया, तो ये हमारी टाइलिंग है, टाइलिंग विंडोज़ हैं ये दोनों हमारी, और इनको हम कैस्केड भी कर सकते हैं फॉर आफ्टर मैक्सिमाइजिंग। ये जो हमारे पेजेस हैं, ये दो पेजेस हमारे हैं दिखाए हुए हैं यहाँ पे जो हमारे ये हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस सेशन।